अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र से। आपको बता दें, मंगलवार की रात्रि मऊगंज बस स्टैंड के पास एक युवक खून से लथपथ तड़प रहा था और लोगों से मदद मांग रहा था। दरअसल युवक के ऊपर क्षेत्र के 7 अपराधियों ने प्राणघातक हमला किया था, जिसकी जानकारी 100 पुलिस को दी गई थी। मौके पर 100 पुलिस पहुंची, लेकिन खून से लथपथ तड़प रहे युवक को अस्पताल पहुंचाने की बजाय तमाश बीन बनी रही। युवक को समय पर उपचार नहीं मिला और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बेखौफ अपराधियों ने छोटे लाल गुप्ता उर्फ पुक्का के ऊपर प्राणघातक हमला किया था। हमला करने वाले आदतन अपराधी और पूर्व भाजपा युवा नेता के ऊपर हमला करने वाले बताए जाते हैं। आरोपी विक्की गुप्ता के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। सोशल मीडिया में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें घायल युवक का बयान दर्ज है, जिसे सुनकर अनुमान लगाया जा सकता है कि हमलावर कौन थे। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन गाड़ी पीछे कर दूर चली जाती है और पुलिस वालों के द्वारा कहा जाता है कि क्या पुलिस घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए है। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला गाली देते हुए कहता है कि नाटक कर रहा है, जिसे आप सुनकर अनुमान लगा लेंगे कि पुलिस किस तरह से जिले में कार्य कर रही है। वहीं स्थानीय समाज सेवी ने भी पुलिस प्रशासन और अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। समय पर उपचार न मिलने के चलते रात भर युवक दर्द से तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। छोटे छोटे मामलों में घायलों को रेफर कर संजय गांधी अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन प्राणघातक हमले में घायल युवक को मरने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया गया। आप भी देखिए वह वीडियो, जिसे देखकर आप इस भ्रम से दूर हो जाएंगे कि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे तैनात है। फालतू फसे वाला काम ना करता, तो काम बता रहे हैं यार। सौ नंबर का है। सर उसको पानी दे दें। अरे ना दे, वो हमका मना करी नहीं हो। वीडियो ना बना। ये का इन्हें लेस के पुक्का पुक्का पिता पिता के नाम तो नहीं जाए सर जी। का नाम है तेरे पिता के नाम का? अरे पुक्का तेरे बाप के नाम का है? हनीफ पूछला के मारी से। अरे हनीफ भाई पूछला बोल बे हनीफ भाई से। ए पक्का ए रे के मारी तो बता हुए आ चल ला दम भाई तो जिंदा है ना। है जिंदा अभी बेहोश है। ए पक्का पक्का ब्लेड निकल लगा अरे खून का जानते है का वीडियो का आउका बहुत तेज है। चुपचाप के मारी से का पीछे चल में आ लुक के मारी से के मारी से जय डॉक्टर साहब के के हो तो नरे के मारी लेता हुए उठाओ खाया आते स्टेशन में लेता फिर बाकी बयान बाद में स्टेशन में ले आले फिर के बाद रखो भी महा बयान करवा ले। तेज खून चल रहा है है ना उसका इलाज है। रुको रुको लेते हम मेंट लगाए चल तू कौन चप्पल पहन के आता है ले ला ला हम लेके चल आगो दी जल्दी से कहा कर ले चप्पल छोड़ना है अब कहा हो पता नहीं हो धोखा है राय क्या पकड़ोगा और स्टेशन एक होता क्या मारिस बे अभी स्टेशन कहाँ कह दी यार। अरे ये कह लिया का एम्बुलेंस के अंदर सरसों रोम्बा के अंदर घुसे रहते हैं एम्बुलेंस क्या मारिसी देखता लगे 108 के मऊगंज के का हालत है।
मऊगंज है। अरे हाथ देख ला है छोटे लाल उर्फ पोक्का की हत्या हो गई है, क्या है पूरा मामला? ये लगभग रात 11 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि मतलब पुक्का को किसी ने मार के फेंक दिया है, तो 100 नंबर के माध्यम से मैंने 100 नंबर भेजा। 100 नंबर भेजने के बाद उसको उसमें दो लड़के वहीं के थे बस स्टैंड के, उनके माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुंचवा दिया, और पहुंचवाने के बाद वहां हॉस्पिटल में भी कोई उपचार प्राथमिक हुआ नहीं वहाँ। और वो जो 100 नंबर की गलती किया कि वो जब कोई उसका परिजन वहाँ नहीं था, यदि 100 नंबर वहाँ रुक जाता, रुकने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करा के घंटे आधे घंटे के लिए, लेकिन वहाँ 100 नंबर भी अपने आप फॉर्मेलिटी करके वहाँ से उसको सीधा सीधा फेंक के चली आई वहाँ। और इसके बाद वहाँ जो प्राथमिक उपचार होना चाहिए, जो मऊगंज का एक सिविल अस्पताल माना जाता है, जहाँ मतलब उसका कोई भी तरह से उपचार नहीं है, बॉडी यहाँ रखी हुई है, उसके उस बॉडी को आपको देख लगेगा कि यहाँ कितने दिन का उपचार रात में हुआ होगा। कोई ड्रेसिंग पता चलती है कि ड्रेसिंग भी नहीं हुई, खून ज़्यादा बहने से उसकी मौत हो गई? अब प्राथमिक उपचार यही है कि मतलब ड्रेसिंग हो जाए, हम कहते हैं ठीक है, जो मामला अगर ज़्यादा गंभीर है तो रीवा के लिए है, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग तो कम से कम ऐसा हो जाता कि ब्लडिंग रुक जाती, उसकी ब्लडिंग तो रोका जा सकता था यहाँ। जी आप किसको दोषी मानते हैं? दोषी तभी फिलहाल वो उसके बयान पर बयान वो दिया था मरने, वो तो सुबह मरा है, रात में बहुत सारे उसने मतलब सबको बताया, अपने मुँह से बताया है, डॉक्टर के सामने बोल रहा था, शायद यहाँ के जो प्रसा मतलब स्टाफ भी गया था लगता, वो उनको भी मतलब बोला, वो अपने से बोला है। मतलब जो मुझे लगा तो मतलब मैंने 100 नंबर को मैं गलती मानता हूँ कि 100 नंबर अगर तुम लेके गए तो वहाँ तो फेंक के नहीं आना चाहिए, और अगर हॉस्पिटल में तुम चले गए हो, अगर उसका कोई परिजन नहीं है, तो उसको कम से कम प्राथमिक उपचार वहाँ होना चाहिए था।